तो दोस्तों ये देख पा रहे हो, ये है सिटी डिलक्स ओल्ड मॉडल का VS3, काफी पुराना गाड़ी है। इसका इंजन का काम हो रहा है और दोस्तों इसका मेन बात है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जैसे कि तो इसका क्या है फ्रेंड्स, कुछ गैरेज में दिखाया इसका, कुछ मैकेनिकों को दिखाया, तो दिखाने के बाद उन लोगों ने बोला कि इसका बैरिंग चेंज करना पड़ेगा। तो जब बैरिंग भी चेंज किया, चेंज करने के बाद वही के वही प्रॉब्लम है। तो जैसे कि देख पा रहे हो काफी ज्यादा हिल रहा है यहाँ पे, शायद पता चल रहा होगा वीडियो में। फ्रेंड्स मैं बढ़िया से दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे फॉलो करिएगा, मैं दिखा देता हूँ, इधर देखिए, बढ़िया से पता चलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉलो कीजिए। तो बैरिंग देख पा रहे हो जैसे कि काफी ज्यादा लूज हो रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार पहले पहिया जो होता है पहियों को खोल लेते हैं, बढ़िया से खोल के फिर एक बार चेक करते हैं कि बाकी में बैरिंग खराब है या कुछ और जगह से प्रॉब्लम है। तो कुछ जगह पे दिखाया, दिखाने के बाद उन्होंने बोला कि आपका जो अलॉय व्हील है ना, पूरा पहिया पूरा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा अलॉय व्हील चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो इसका काम नहीं बनेगा, पूरा चेंज करना पड़ेगा कह रहा है। दो तीन जगह पे दिखाया तो मैंने बोला कि नहीं, चेंज नहीं करना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा। तो कैसे होता है मैं ये बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही साथ लाइक भी दे देना इस वीडियो को। तो चलिए पहले पहिया को खोल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हो इसका पहिया खोल दिया हमने, खोलने के बाद जो मैं देख पा रहा हूँ इसका बैरिंग तो एक तो है ही, कॉलर भी ढीला है काफी, देख पा रहे हो बैरिंग जो है ऊपर की तरफ आ जा रहा है, बैरिंग भी काफी खराब है। एक बार सेट को देख लेते, इधर बूस्ट निकल के देख लेते क्या है, उसको मैं निकल लेता हूँ एक बार, निकल गया बूस्ट। बैरिंग का कॉलर जो देख पा रहा हूँ, कॉलर भी ढीला है, मतलब चलिए देखते हैं ऐसे बाहर आता है या नहीं। अरे बाहर आ गया फ्रेंड्स, देख पा रहे हो बाहर आ गया, ठीक है, ऐसे ठोकने पे ये बाहर आ गया। चलिए इसको साइड कर देते अभी और एक साइड का देख लेते हैं, जो कॉलर है काफी ढीला है या नहीं, थोड़ा बहुत ही ढीला है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखते क्या किया जाता है, मैंने तो कस्टमर को बताया कि ठीक है अगर नहीं होता तो मैं खरादी के पास जाके काम करवा के ले आऊंगा। तो इधर का भी देख पा रहा हूँ हाथ से हिल रहा है, ठीक है। तो देख पा रहे हो फ्रेंड्स हाथ से ये काफी ज्यादा बाहर आ गया, ठीक है, काफी ज्यादा ये बाहर आ गया, देख पा रहे हो फ्रेंड्स। तो चलिए इसको भी निकाल लेते, कुछ निकल गया फ्रेंड्स, ठीक है। और दोस्तों मैं जो एक बैरिंग के बैरिंग खोलने के बारे में बताया था, ठीक है, तो वो वाला अगर वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना। तो मैं जो बात कर रहा था, ये वाला जो कॉलर होता है ना, ये मैं दिखा देता हूँ बढ़िया से, एक तो ये कॉलर होता है फ्रेंड्स, ये जो कॉलर है ये क्या काम करता है, बूस्ट को, एक ये बूस्ट होता है, ठीक है, इसके अंदर में कोई सा एक बूस्ट नहीं होता, मतलब यहाँ पे गोल सा एक बूस्ट बना होता है, वो बूस्ट इसी का काम करता है, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से यही बीच में होता है, ठीक है, तो ये इस साइड में होता है, ज्यादा उस साइड में नहीं होता है, तो उस साइड को अंदर को होता है, काफी ज्यादा अंदर को होता है, ठीक है। वो वाला अगर वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, आई बटन में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अब इसका काम करते, देखते क्या है, बैरिंग खराब है या कुछ और खराब है, बैरिंग तो है ही खराब काफी ज्यादा, मैं दिखा देता हूँ बढ़िया से। तो बैरिंग का मैं जो देख पा रहा हूँ बैरिंग भी काफी खराब है, देख पा रहे हो फ्रेंड्स काफी ज्यादा बैरिंग मिल रहा है। तो कॉलर तो मतलब सही है, थोड़ा बहुत खरादी के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी को टाइट करूंगा, अब कैसे टाइट करना है वो बात करने वाला है, ठीक है, मतलब वही काम मेन काम है, ठीक है। तो दोस्तों ये देख पा रहे हो काफी ज्यादा हिल रहा है ये वाला बैरिंग, और ये जो है हल्का हिल रहा है, ज्यादा नहीं हिल रहा है, ठीक है, तो ये काफी खराब है, उस वजह से काफी ज्यादा हिल रहा है। और ऊपर से क्या है, तो एक तो है ये बैरिंग खराब, एक में से दोनों में से काफी ज्यादा खराब है और एक कॉलर भी खराब है। तो दोस्तों कॉलर जो है, कॉलर को टाइट करने के लिए क्या करना होगा, बैरिंग को तो नया डालना होगा और खराब वाले के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं इसी को करूंगा, आप कैसे टाइट करना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो बैरिंग तो नया डालेगा, इसको साइड कर देते, और ये जो है कॉलर खराब है, अब इसको खरादी के पास ले जाना नहीं है हमको, कुछ इस तरीके से टाइट करना है, जो के जैसे को मैंने काट के रखा है, ये एक ये होता है पान दुकान जो होता है ना, पान का दुकान, उस जगह पे ये मिल जाएगा, ठीक है, जोरदा कहते हैं हम लोग इसे, तो पान के साथ ये खाया जाता है मतलब, ठीक है। तो जो भी है ये एक काटना है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से काट के लेना है हमको सभी को, तो ये जो है सभी को काट लेना है कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स,
तो कट के कैसे लगाना है मैं वो दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको लगा के मैं फिर ही टाइट करूंगा, ठीक है। तो खरादी के पास ले जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और बिल्कुल लैंड टाइट हो जाएगा, एकदम क्लीन बढ़िया से टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कैसे टाइट करना है मैं वो दिखा देता हूँ। शायद आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से देना है हमको, ठीक है। तीनों को दे देना है बढ़िया से। अब क्या करना है, बिल्कुल सीधा सीधा देखे, उसके बाद ये जो बैरिंग है हमारा नया बैरिंग लग जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बैरिंग लगाएंगे हम, ठीक है। चलिए बैरिंग को पहले लगा लेते हैं, कुछ इस तरीके से है। तो कुछ इस तरीके देके हमने क्या किया, बिठाया और दोस्तों एक कट गया, ठीक है। कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा ज्यादा मोटा दे दिया, पर इतना मोटा नहीं देना आपको, क्लियर जितना होगा उसके हिसाब से देना आपको, ठीक है। तो अगर इस तरह से मोटा दे सकते हो, काफी ज्यादा अगर मोटा दे तो बिठाने में दिक्कत होगा, तो मैंने थोड़ा सा मोटा दे दिया और एक का क्या हुआ, एक साइड का कट के निकल गया। और दोस्तों कुछ इस तरीके से फिर आपको ठोकना है, चलिए ठोक लेते हैं। अब देखो कितना टाइट जा रहा है ना, देख पा रहे हो, और थोड़ा सा चल गया और दो बचा, एक क्या हुआ साथ में ही है हमारा, ठीक है, एक साथ में ही है पूरा। तो एक बार क्या करते हैं, हम घुमा के देख लेते हैं एक साइड को, देख पा रहे हो जैसे कि है अभी, तो थोड़ा सा निकल गया और थोड़ा सा मोटा दे दिया मैंने, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए और दोनों को बिठा देते बढ़िया से। तो दोस्तों इस साइड का बैठ गया हमारा, एक बचा और एक और दो कट गया, ठीक है, एक ही बचा है, ये भी कट जाएगा। इसको कैसे कटना है, कुछ इस तरीके से आप हिला हिला के कट सकते हो, या तो पतले पेचकस से ठोक ठोक के भी कट सकते हो। तो मैं ऐसे ही कटूंगा फिलहाल, ऐसे हिला हिला के, ठीक है। मैं काट लेता हूँ पहले बढ़िया से। तो दोस्तों दोनों साइड मतलब एक साइड बैठ गया और एक साइड को बिठाना है हमको, जो एक निकला हुआ था उसको भी हमने बिठा दिया, और देख पा रहे हो कितना टाइट हो गया। और दोस्तों ये जो बैरिंग है बिल्कुल ईजी है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देख पा रहे हो बैरिंग भी काफी ईजी है, और ये जाम ना हो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस साइड का भी एक बार बिठा देते हैं, ठीक है, इस साइड का भी बिठा देते हैं, और अंदर को क्या हुआ वो भी हम दिखा देते हैं प्लस ऑन करके। एक टीन का टुकड़ा थोड़ा सा निकला हुआ है बाहर की तरफ, तो हमको क्या करना है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है, मतलब ऊपर की साइड कर देना है, क्योंकि मतलब सैप जो है चक्के का वो निकल पाए बढ़िया से, ठीक है। तो आपको ध्यान से करना है, क्योंकि वो हाथ से लग सकता है, ठीक है, हाथ में लग सकता है या तो हाथ कट सकता है। तो ये ठीक हो गया। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये बुश को हम बिठा देते हैं कुछ इस तरीके से, ग्रीस करके थोड़ा सा ग्रीस लगाकर बिठा देंगे इसको। तो बिठा देते हैं हम इसको, जो दोस्तों टीन का टुकड़ा दिखाई दे रहा था ना, वो आप क्या किया मैंने बिल्कुल इस साइड में लगा दिया, कुछ इस तरीके से ये लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो रहा था फ्रेंड्स, ये जो बुश है ये भू से थोड़ा सा दिक्कत कर सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पर बिठा दिया। चलिए अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको बिठा के फिर हम दूसरा साइड वाला बैरिंग बिठा देते हैं। इधर भी आप देख सकते हो गैप के हिसाब से मोटा करके काटना, या तो आपके हिसाब से काट लेना, ठीक है, जितना मोटा चाहिए। तो ज्यादा मोटा नहीं देना, क्योंकि काफी दिक्कत हो सकता है। तो बिल्कुल आराम से ये लगा कर, ठीक है, बिल्कुल आराम से लग जाएगा। लगाने के बाद फ्रेंड्स ठोकना होगा, ठीक है। तो जैसे कि देख पा रहे हो थोड़ा सा बैरिंग हमारा अंदर को साइड चल गया है, अब ये भी दोनों बिल्कुल टाइट हो गया तीनों, और आपको टाइट करके घुसाना है, ठीक है, ठोकना है बिल्कुल आराम से ठोकना है, ठीक है। चलिए पूरा ठोक के फिर आपको बताते हैं। तो देख लिया दोस्तों, ये बिल्कुल फेस के बराबर हो गया, बिल्कुल एंड टाइट हो गया, देख पा रहे हो फेस बिल्कुल बराबर है। और ये जो तीनों है इसको काट देना है, कुछ इस तरीके से आप हिला हिला के काट सकते हो, या तो पतले पेचकस से यहाँ पर रख के ठोक ठोक के भी कर सकते हो, ठीक है, तो कट जाएगा। तो फिलहाल हम कुछ इस तरीके से हिला हिला के काट देंगे, फिर कम बन जाएगा। और दोस्तों ये भी दिखा देता हूँ कितना इजी है बैरिंग, तो ये भी देख पा रहे हो, शायद देख लो फ्रेंड्स, शायद देख पा रहे हो कितना इजी है, ठीक है, कोई जाम वगैरह नहीं है। तो बिल्कुल टाइट हो गया। तो दोस्तों क्या करते हैं, आप गाड़ी में इंस्टॉल करके फिर आप लोगों को दिखाते हैं कितना प्ले खत्म हो गया। तो दोस्तों देख पा रहे हो इसका चक्का का बैरिंग जो होता है वो लगा दिया है बिल्कुल बढ़िया से, और चक्का भी लग गया है यहाँ पे। तो एक बार दिखा देते जो हिलना कितना बंद हुआ है, मतलब बिल्कुल नहीं हिल रहा, मरा सा भी नहीं हिल रहा है, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ बढ़िया से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हिला रहा हूँ कुछ इस तरीके से, मैं हिला रहा हूँ, शायद पता नहीं चलेगा क्योंकि हिलना भी बंद हो गया ना। तो मैं बढ़िया से दिखाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स, देखिए।
तो बिल्कुल हिलना बंद हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिलना तो बिल्कुल बंद ही हो गया और ये जो चलने वाला है काफी दिन तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बैरिंग थोड़ा सा जेन्युइन नहीं लगाया, उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं लगाया, अगर अच्छा क्वालिटी का लगाता तो और बढ़िया से चलता। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भी ऐसे कर सकते हो अगर आपका भी बैरिंग खराब होता है या तो कॉलर खराब हो जाता है तो। ठीक है, लेद में खरादी के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही काम चल जाता है। तो बिल्कुल एंड टाइट हो गया, मतलब कोई परेशानी अब नहीं आएगा। ठीक है, जो हिलने वाला था वो बंद हो जाएगा पूरा। तो दोस्तों, ये अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक दे देना, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, क्योंकि मैं इसी तरह से नॉलेज वीडियो लेके आता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।